देखिए, पूरे देश में सांस्कृतिक उत्थान का एक माहौल खड़ा हुआ है, पूरे देश में उमंग है, उल्लास का वातावरण है। और जो ये सांस्कृतिक उत्थान का जो कालखंड है, इसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा सभ्यता, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। नई नई जानकारियाँ श्री राम मंदिर के बारे में दी जा रही है यंगर जनरेशन को। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यंगर जनरेशन ऐसी जानकारियों को कई बार एक्सेप्ट कम कर रहा था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि घरों में जहाँ जाते हैं बच्चे भी ऐसी जानकारियाँ कि भाई ऐसी जानकारी भी थी क्या, 500 वर्ष का आंदोलन था क्या, निहंग भी कभी आए थे क्या, ये सब जानकारी, विक्रमादित्य भी कभी इसके लिए आए थे क्या, ये सब जो जानकारियाँ जो मीडिया जो जनता को दे रहा है, मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बायकॉट करना शुरू किया जो ठीक नहीं है। जैसे वीर सावरकर की एक प्रतिमा संसद में लगी, सबसे पहले बायकॉट वहाँ किया उन्होंने, वो ठीक नहीं था, संसदीय परंपराओं के भी अनुरूप नहीं था। संसद में चित्र लगा है, क्यों बायकॉट कर रहे हो आप? लेकिन शायद कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं पा रही है, या तो मुझे लगता है या उनका नेतृत्व तो ऐसा ही होगा। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। पूरे मेरे ख्याल में मीडिया में जो मंदिर निर्माण कमेटी है वो बराबर बता रहे हैं कि मंदिर कैसे बना, कितना बना। कोई भी प्रोजेक्ट होता है चरणबद्ध होता है ना, ये देश का कार्यक्रम है। देखिए, पूरे देश में सांस्कृतिक उत्थान का एक माहौल खड़ा हुआ है, पूरे देश में उमंग है, उल्लास का वातावरण है। और जो ये सांस्कृतिक उत्थान का जो कालखंड है, इसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा सभ्यता, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। नई नई जानकारियाँ श्री राम मंदिर के बारे में दी जा रही है यंगर जनरेशन को। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यंगर जनरेशन ऐसी जानकारियों को कई बार एक्सेप्ट कम कर रहा था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि घरों में जहाँ जाते हैं बच्चे भी ऐसी जानकारियाँ कि भाई ऐसी जानकारी भी थी क्या, 500 वर्ष का आंदोलन था क्या, निहंग भी कभी आए थे क्या, ये सब जानकारी, विक्रमादित्य भी कभी इसके लिए आए थे क्या, ये सब जो जानकारियाँ जो मीडिया जो जनता को दे रहा है, मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बायकॉट करना शुरू किया जो ठीक नहीं है। जैसे वीर सावरकर की एक प्रतिमा संसद में लगी, सबसे पहले बायकॉट वहाँ किया उन्होंने, वो ठीक नहीं था, संसदीय परंपराओं के भी अनुरूप नहीं था। संसद में चित्र लगा है, क्यों बायकॉट कर रहे हो आप? लेकिन शायद कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं पा रही है, या तो मुझे लगता है या उनका नेतृत्व तो ऐसा ही होगा। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। पूरे मेरे ख्याल में मीडिया में जो मंदिर निर्माण कमेटी है वो बराबर बता रहे हैं कि मंदिर कैसे बना, कितना बना। कोई भी प्रोजेक्ट होता है चरणबद्ध होता है ना, ये देश का कार्यक्रम है।